हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है उदित सैनी और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एमआई के एक एरर के बारे में। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप अपने एमआई अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो आपके पास एक एरर आ जाता है जिसमें लिखा होता है कैन नॉट रिमूव फाइंड डिवाइस। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको भी करके भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी हमने इस वाले अकाउंट में कॉइन कर लिए हैं और अब मुझको अपने दूसरे अकाउंट में कॉइन करने हैं, तो यहाँ से मैं इस अकाउंट को साइन आउट करना होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर साइन आउट करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों अभी हमें अपना पासवर्ड डालना होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है। अब मैं कर देता हूँ इसको ओके। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास कुछ इस टाइप से एक एरर आ जाता है जिसमें लिखा होता है कैन नॉट ट्रू नो फाइंड डिवाइस। तो चलिए दोस्तों, इसको तो हम कर देते हैं ओके। और दोस्तों इसके बारे में हमारे ग्रुप के एक मेंबर की एमआई कस्टमर केयर से बात हो गई है और दोस्तों उन्होंने उनको बताया है कि ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जो कि अपने आप ही कुछ टाइम बाद सॉल्व हो जाएगी। जी जी सर, बताना चाहूंगा इसमें जो है टेक्निकल इशू चल रहा है एमआई अकाउंट में, ठीक है। इस वजह से जो है आप जो है इसको जो है लॉग आउट नहीं कर रहे हैं। हमारी जो वैकेंट टीम है इसके इंजीनियर है इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, इशू आ रहा है, कुछ टाइम बाद जो है ट्राई कीजिएगा, आपका जो अकाउंट है लॉग आउट हो जाएगा। इसमें आपकी तरफ से कोई इशू नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें एमआई अकाउंट में इशू चल रहा है, उस वजह से आप जो है इसको जो है लॉग आउट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है सर। तो देखिए दोस्तों, ये प्रॉब्लम तो अपने आप ठीक हो जाएगी। और दोस्तों अगर आपको अपने किसी दूसरे अकाउंट में कॉइन करने हैं तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना होगा, अभी आपको अपना सेकंड स्पेस चला लेना है और सेकंड स्पेस में गेटअप कर लेना है। देखिए दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं कि सेकंड स्पेस कैसे चलाना है, उसमें गेटअप्स कैसे इंस्टॉल करना है, तो दोस्तों उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप मेरी वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको अपने सेकंड स्पेस में ले जाकर वहाँ पर अपनी दूसरी एमआई आईडी को लॉगिन करके और लॉग आउट करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं अपने सेकंड स्पेस में। तो दोस्तों अभी हम अपने सेकंड स्पेस में आ चुके हैं। अभी हम जाते हैं इसकी सेटिंग्स में और यहाँ पर दोस्तों हम एमआई अकाउंट पे अपना लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर अपने आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपना आईडी और पासवर्ड यानी कि मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल दिया है। अब मैं कर लेता हूँ उसको साइन इन। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा एमआई अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो गया है। अभी हम अपने गेटअप्स को भी चलाकर देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा गेटअप्स यहाँ पर ओपन हो गया है। अभी हम जाते हैं अपने अर्न मनी में। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर चेक इन के 35 कॉइन्स मिल गए और दोस्तों हमारी जो आईडिया है वो यहाँ पर सही तरीके से वर्क कर रही है। अभी हम इस आईडी को कर देते हैं लॉग आउट। देखिए दोस्तों, फिर से हम सेटिंग्स में जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से साइन आउट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा एमआई अकाउंट है वो यहाँ पर लॉग आउट हो गया है सक्सेसफुली। तो देखिए दोस्तों, इसी तरीके से आप अपनी दूसरी आईडी सेकंड स्पेस में चला सकते हैं। और दोस्तों जो फर्स्ट स्पेस में हमारी आईडी में प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, वो एक टेक्निकली है दोस्तों, वो कुछ टाइम बाद अपने आप ही सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप भी अपना सेकंड स्पेस चलाकर अपनी आईडीज में कॉइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों।